Good morning, dear students. Today we are going to do unit number 4, a wonderful creation. अब creation का मतलब होता है बनावट, wonderful मतलब बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही बढ़िया बनावट. The good Lord was extremely busy that day. He was into his sixth day of overtime. When he was working with full concentration, an angel appeared and commented, "You are taking so much care for creating this creature." The good Lord, जो Lord है वो Lord यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है? God के लिए. किसके लिए यूज़ हुआ है? God के लिए. तो ये जो good God है वो बहुत ही बिजी थे वो दिन, वो अपने दिन का ओवरटाइम कर रहे थे. अब ओवरटाइम मतलब क्या होता है कि हमारे जो पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है कि जैसे कि हम सुबह में 8 से रात को 8 तक काम करेंगे, लेकिन हम उससे ज़्यादा काम कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम ओवरटाइम. तो जो गॉड थे उनका कितनी बार ये ओवरटाइम था? 6th टाइम ओवरटाइम था. जब वो एकदम ध्यान लगा, कॉन्सेंट्रेशन मतलब ध्यान लगा के काम कर रहे थे, तो एक एंजल मतलब एक फरिश्ता, एक एंजल आता है वहाँ पर, अपीयर मतलब नज़र आता है और बोलता है, आप इतनी शिद्दत से, इतनी केयर करके, इतनी परवाह करके ये कौन सा क्रिएचर बना रहे हो? क्रिएचर मतलब एक कौन सी बनावट बना रहे हो? सो तो लॉर्ड बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, दैट्स ट्रू, ये सही है. डू यू वॉन्ट टू नो द डिटेल्स, क्या तुम्हें जानना है मैं क्या बना रहा हूँ? वॉट आर दे? द एंजल वॉज क्यूरियस. क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा होना. तो जो एंजल होता है उसको जानने की इच्छा होती है कि गॉड क्या बना रहे हैं. तो वॉट आर दे वो पूछता है, क्या है वो? ऑल हर पार्ट शुड बी मूवेबल एंड रिप्लेसेबल टू. शी हैज़ अ लैप दैट डिसअपियर्स व्हेन शी स्टैंड अप. आई हैव टू एंडोव हर विथ अ किस दैट कैन क्योर एवरीथिंग फ्रॉम अ ब्रोकन लेग टू अ ब्रोकन हार्ट. मोर ओवर शी हैज़ टू हैव 6 पेयर ऑफ हैंड्स. She must be able to run on any food available and should have 3 pairs of eye. ठीक है. तो जब अब गॉड बताते हैं कि वो क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं. ऑल हर पार्ट्स, उसके जो पूरे पार्ट्स हैं वो मूवेबल मतलब वो हिल सकते हैं, वो चल सकते हैं और रिप्लेस भी, बदल भी सकते हैं. उसका जो लैप है, लैप मतलब ये हम बैठते हैं ना, जांग को बोलते हैं हम लैप. तो उसका लैप चला जाता है जब वो खड़ी होती है. मैंने उसको एक ऐसी किस, वो जब किस करती है, उसकी जो किस है उसमें हर चीज़ की दवाई है, उसकी हर चीज़ क्योर करती है, मिटा देती है. फ्रॉम अ ब्रोकन लेग टू अ ब्रोकन है हार्ट, या पैर टूट गया हो या दिल टूट गया हो, उस चीज़ की, उस क्रिएचर की एक किस सब ठीक कर देती है. मोर ओवर शी हैज़ टू हैव 6 पेयर ऑफ हैंड. और अब मैं उसमें 6 पैर मतलब जो हाथ है उसके 6 जोड़ी डालने वाला हूँ, क्योंकि उसको बहुत सारे खाना बनाना है. और उसको मैं 3 पैर आँखें भी 3 दूंगा, 3 पैर 3 जोड़ी आँखें दूंगा. द एंजल्स शुक हिज हेड स्लोली एंड सेड, अ माइटी इम्पॉसिबल टास्क. तो जो एंजल होते हैं वो अपना सर हिलाता है और बोलता है, ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मतलब गॉड, इम्पॉसिबल मतलब जो ना हो सके, गैर मुमकिन. तो जो ना हो सके ये वैसा टास्क है. मैं सोच रहा हूँ कि 6 पेयर ऑफ हैंड्स, 6 जोड़ी हाथ की, नो वे, नहीं हो सकता ऐसा. नो, दीज हैंड्स आर नॉट फॉर अ प्रॉब्लम फॉर मी. इट इज़ द 3 पेयर ऑफ आईज दैट द मदर्स हैव टू हैव. लुक लॉर्ड पजल्ड. तो गॉड बोलते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे उनको 6 जोड़ी हाथ देना है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको 3 पैर, 3 जोड़ी आंखें मुझे देनी है. ओह, सो यू आर क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ अ मदर, बट 3 पैर ऑफ आईज, वॉट फॉर? द एंजल गॉट इंटरेस्टेड. तो एंजल ने बोला, अच्छा तुम क्या बना रहे हो गॉड? आप माँ का क्रिएचर बना रहे हो, माँ बना रहे हो, लेकिन 3 जोड़ी आँख, ये क्यों, ये किस लिए? एंजल ने पूछा. तो वन पैर दैट सीज हर चिल्ड्रन थ्रू क्लोज डोर्स,
another pair to look at the children and say, I understand and I love you without uttering a word, and the third pair to see all secret things without opening them. तो वो बताते हैं कि तीन पैर, तीन जोड़ी आइज किसके लिए, तो एक पैर, पहली पैर क्यों है, पहली जोड़ी है कि जो बंद कमरे के पीछे भी बच्चों के बच्चों को जान सके, वो माँ बच्चों के देख सके। दूसरी पैर है आई अंडरस्टैंड, दूसरी पैर ये देखने के लिए और समझने के लिए और बच्चों को प्यार करने के लिए, और तीसरी जो जोड़ी है आँखों की वो बच्चों के पूरे सीक्रेट जानने के लिए, सीक्रेट थिंग, आँख खोले बगैर उनकी सीक्रेट थिंग जानने के लिए। सीक्रेट मतलब जो सीक्रेट को बोलेंगे हम, जो किसी को ना बताएं हम, वो सीक्रेट होता है। लॉर्ड रिक्वेस्टेड द एंजल प्लीज गो टू बेड, डू नॉट टेक सो मच ट्रबल इन अ सिंगल डे। तो एंजल दरख्वास्त करता है कि लॉर्ड आप घर जाइए और एक दिन में इतना सब काम मत कीजिए। तो लॉर्ड बोलते हैं आई कैन नॉट, ही रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब इनकार करना, मैं नहीं जा सकता। आई हैव ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड द वर्क, आई हैव पुट द बेस्ट ऑफ माई आइडियाज इन टू दिस मॉडल, नाउ दिस मदर विल हील हरसेल्फ व्हेन शी इज सिक, शी वुड बी एबल टू फीड अ फैमिली ऑफ सिक मेम्बर्स, ओनली अ हाफ अ किलो ऑफ कैबेज एंड शी वुड मैनेज अ चाइल्ड्स बाथ, प्ले, स्टडी, फूड एंड स्लीप विदाउट गेटिंग इरिटेटेड। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मुझे बहुत कुछ ये चीज़ में डालना है, मेरी आइडिया क्या क्या है, अब तो मुझे ये चीज़ डालनी है कि ये जो मदर है, जो माँ है, वो जब बीमार होती है तो खुद ही ठीक हो जाए। वो आधा किलो कैबेज, आधा किलो कैबेज में से 6 मेंबर को खिला सके, और वो एक बच्चों के नहाने का, खेलने का, पढ़ने का, खाने का और सोने का सारा इंतज़ाम कर सके विदाउट गेटिंग इरिटेटेड, ओके, थके बिना। द एंजल वेंट राउंड द मॉडल ऑफ द मदर वेरी स्लोली, ही टच्ड इट एंड सेड इट्स टू सॉफ्ट। तो एंजल ने वो जो माँ का मॉडल था उसके आजू बाजू चक्कर लगाया और बोला, और टच किया, उसके हाथ लगाया और बोला कि ये तो बहुत ही नर्म है। बट वेरी टफ सेड द लॉर्ड, तो उतने में ही गॉड ने बोला कि वो नहीं, लेकिन वो अंदर से बहुत ही मजबूत है। यू कैन नॉट इमेजिन वॉट दिस मदर कैन डू एन एंड्योर, तुम नहीं सोच सकते कि ये माँ क्या कर सकती है और क्या सहन भी कर सकती है। कैन इट थिंक, तो कैन यू थिंक, क्या तुम सोच सकते हो, नॉट ओनली कैन शी थिंक बट कैन रीजन एंड कम्प्रोमाइज टू। तो जो एंजल होते हैं वो पूछते हैं क्या वो सोच सकती है, क्या माँ सोच सकती है, तो गॉड बोलते हैं कि वो सिर्फ सोच नहीं सकती है लेकिन वो वजह भी जान सकती है, और कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब अपना, अपनी खुशी को त्याग देना, ठीक है। द एंजल वॉज इम्प्रेस्ड, तो एंजल क्या मुतासिर हो गए, ही वेंट क्लोजर टू द मॉडल एंड मूव्ड हिज फिंगर अक्रॉस द चीक। तो वो मॉडल के पास गए और उनकी जो हाथ थे, उनकी जो फिंगर्स थी, उंगलियां थी, वो फिराए और उनकी चीक, उनके गाल पे वो उंगलियां फिरा दी। ओ लॉर्ड हर आईज आर लीकिंग, उनकी जो आंखें हैं वो रो रही है, वो उनकी आंखों में से पानी बाहर आ रहा है। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ, इट मस्ट बी अ टीयर, आई हैव नॉट पुट इट देयर, इट्स अ मिरेकल, द लॉर्ड एक्सप्लेन। तो लॉर्ड ने बोला, गॉड ने बोला कि ये आंसू हो सकता है, मैंने तो डाला नहीं है लेकिन ये क्या हुआ, मिरेकल हुआ, जादू हुआ, लॉर्ड ने बोला। बट वॉट इज़ अ टी टीयर फॉर माई ब्लॉड, तो जो एंजल है वो पूछते हैं कि ये जो आंसू है वो किस लिए है मेरा लॉर्ड। इट इज़ समथिंग यूनिक, यूनिक मतलब बेमिसाल, ये कुछ बेमिसाल है। मे बी इट इज़ फॉर पेन, जॉय, प्राइड, पेन मतलब दर्द, जॉय मतलब खुशी, प्राइड मतलब फ़क्र, तो शायद ये दर्द के, खुशी के, फ़क्र के, और डिसअपॉइंटमेंट मतलब किसी को डिसअपॉइंट कर देना, उसके आंसू हैं। वॉट अ वंडरफुल क्रिएशन, तो गॉड बोलते हैं क्या कितनी अच्छी बनावट है।